वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूँ आपके साथ निलोफर अंसारी। अक्सर ठंड बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लगते हैं। दरअसल ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और ब्लड को पंप करते समय रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे हृदय के कामकाज में परेशानी होती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। ठंड में हर साल हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि होती है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमने लगता है। इसी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक पड़ता है। इस तरह से समझ सकते हैं कि इस सीजन में ब्लड वेसल सिकुड़ने के कारण शरीर में ब्लड फ्लो सही नहीं रह पाता है। इस वजह से दिल पर अधिक दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक की स्थिति बनती है। ठंड के मौसम में नसें ज़्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त बन जाती हैं। इससे नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। इसके अलावा सोते समय शरीर की एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती हैं, बीपी और शुगर का लेवल भी कम होता है। लेकिन उठने से पहले ही शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसे सामान्य स्तर पर लाने का काम करता है। यह सिस्टम हर मौसम में काम करता है, लेकिन ठंड के दिनों में इसके लिए दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे जिन्हें हार्ट की बीमारी है उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों के दौरान आमतौर पर हर किसी की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जो गलत है। खासकर दिल के मरीजों को सर्दियों में ज़रूर एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप हर दिन 30 से 40 मिनट वॉक करेंगे तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होगी और हार्ट का खतरा कम हो जाएगा। सर्दियों में खासतौर पर बाहर जाने से पहले शराब का सेवन ना करें। ऐसा करना भी हार्ट के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। शराब और धूम्रपान के कारण आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। वहीं वजन बढ़ाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मोटापा हृदय संबंधी समस्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है, इसलिए सर्दियों में अपने वजन का ख्याल रखें। हृदय रोगियों को सर्दियों में अपने खान पान का ध्यान रखना भी जरूरी है। अपने डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। पोटेशियम युक्त फल और सब्जियों जैसे खट्टे फल और हरी सब्जियां आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। इनसे आपको फाइबर भी मिलता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इससे हृदय संबंधी रोग का खतरा कम होता है। इसके अलावा सर्दियों में हृदय की बीमारियों से पीड़ित लोगों को ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स और नट्स हृदय संबंधी रोगों के जोखिम को कम करने के लिए मदद करते हैं। यह ना सिर्फ आपके रक्त व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।